हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी, पुलिस एग्ज़ाम, पीएससी और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, टीचर एग्ज़ाम, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर्स काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। यदि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये करंट अफेयर्स रट लीजिए, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर सहायता करेंगे, ये काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बगल में बेल आइकन घंटी है उसको ऑन कर लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, मैं ऐसी प्रतिदिन वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? दोस्तों, हाल ही में मंत्रिमंडल के फेरबदल में पीयूष गोयल जी को वित्त मंत्री के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। ठीक है, पीयूष गोयल जी, मैं आपको बता दूं दोस्तों, वित्त मंत्री अरुण जेटली का जो तो इलाज चल रहा है, स्मृति ईरानी को केवल वस्त्र मंत्रालय संभालेंगी और राज्यवर्धन सिंह राठौर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। तो वित्त मंत्रालय को जो प्रभार दिया गया है पीयूष गोयल का, क्योंकि अरुण जेटली की तबीयत खराब चल रही है, उसके अलावा वस्त्र मंत्रालय स्मृति ईरानी को और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय राज्यवर्धन सिंह राठौर को, विद्युत मंत्रालय एएस अहलूवालिया और पर्यटन मंत्रालय केजे अल्फांस को दिया गया है। ठीक है, फेरबदल किया गया है। तो हाल ही में वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? पीयूष गोयल जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में दूसरी बार आईसीसी का स्वतंत्र चेयरमैन कौन चुने गए हैं? दोस्तों, हाल ही में दूसरी बार जो तो आईसीसी स्वतंत्र चेयरमैन शशांक मनोहर जी को चुना गया है। देखिए दोस्तों, पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर जो है तो निकाय बोर्ड द्वारा प्रतिनिधि चुने जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में दूसरे दो साल के लिए कार्यकाल के लिए सेवा देंगे। ठीक है, श्री मनोहर जो है तो 2016 में पहले स्वतंत्र आईसीसी अध्यक्ष बने थे। चुनाव प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक आईसीसी निदेशकों को एक उम्मीदवार नामित करने की इजाज़त थी, जिन्हें या तो वर्तमान या पिछले आईसीसी निदेशक होना था। वहीं बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, मुख्यालय इसका दुबई में, और जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो शशांक मनोहर चुने गए हैं। उसके अलावा जो अध्यक्ष हैं आईसीसी के, वो हैं जहीर अब्बास जो कि पाकिस्तान के हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय शासकीय निकाय है दुबई में, इसका संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है। वह आईसीसी के सीईओ जो हैं वो हैं डेव रिचर्डसन। ठीक है, डेव रिचर्डसन आईसीसी के सीईओ हैं। तो हाल ही में दूसरी बार आईसीसी का स्वतंत्र चेयरमैन किसे चुना गया? शशांक मनोहर जी को। ठीक है, और चेयरमैन और अध्यक्ष अलग अलग हैं। ठीक है, चेयरमैन शशांक मनोहर और अध्यक्ष जहीर अब्बास जो कि पाकिस्तान के हैं। ठीक है, और डेविड रिचर्डसन जो है तो ये हैं आईसीसी के सीईओ। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर पहले महिला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट का संचालन शुरू हुआ है? तो हाल ही में दोस्तों जो है तो पंजाब के फगवाड़ा में शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने स्थानीय केंद्र डाकघर में सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है, और यह देश में 192 POPSK है, लेकिन महिला टीम द्वारा संचालित किया जाने वाला पहला है। ठीक है, वहीं बात करें पंजाब की, तो पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं। ठीक है, तो हाल ही में कहां पर पहले महिला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट संचालन शुरू हुआ? पंजाब के फगवाड़ा में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसे श्री जयदेव राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार 2018 सम्मानित किया गया? दोस्तों, हाल ही में जो है तो श्री जयदेव राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार आनंदिता अनाम को कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित श्री जयदेव राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार 2018 सम्मानित किया गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में जयदेव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल के दौरान पुरस्कार को कथक को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो हाल ही में किसे श्री जयदेव राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार सम्मानित किया गया? आनंदिता जयदेव को। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? देखिए दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में सबसे स्वच्छ शहर जो है तो दूसरी बार इंदौर फिर से बन गया है। वहीं जो दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर भोपाल को दूसरे स्थान पर और चंडीगढ़ इसमें तीसरे स्थान पर है। तो फर्स्ट पे इंदौर है, दूसरी बार लगातार दूसरी बार बना है, सेकंड पे भोपाल, वो भी दूसरी बार, और थर्ड नंबर पे चंडीगढ़। और इसकी घोषणा की थी आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। इसके अलावा जो है तो आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में 1,00,000 से अधिक आबादी के साथ वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, स्वच्छ राज्य पूंजी जो है वो ग्रेटर मुंबई, अभिनव और सर्वोत्तम अभ्यासों में सर्वश्रेष्ठ शहर नागपुर है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में नवी मुंबई। ठीक है, और देखिए दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 स्वच्छ
भारत मिशन शहरी के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 4203 शहरों स्थानीय निकायों का मूल्यांकन किया गया था। यह अभ्यास 4 जनवरी से 10 मार्च 2018 के बीच किया गया था। झारखंड को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है, इसके बाद महाराष्ट्र है। तो हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर दूसरी बार कौन बना है? इंदौर, ठीक है, जो कि एमपी में आता है। अगला है, भारत का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो दोस्तों, भारत का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन जो है तो गुवाहाटी बना है। देखिए दोस्तों, गुवाहाटी अब सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। यहाँ सौर पैनलों को स्थापित करने की परियोजना अप्रैल 2017 में शुरू गई थी और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की छत पर लगभग 2352 सौर मॉड्यूल्स 700 किलो वाट पावर उत्पन्न करने की क्षमता के साथ स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो भारत का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? गुवाहाटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे ललित कला अकादमी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों, हाल ही में जो है तो भारत के राष्ट्रपति ने उत्तम परचने को ललित कला अकादमी का नियमित अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री परचने एक प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार हैं। वर्तमान में दोस्तों वह सलाहकार समिति कला अकादमी गोवा के सदस्य हैं और राष्ट्रीय ललित कला पुरस्कार 1985 महाराष्ट्र सरकार द्वारा, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1985, जूनियर नेशनल अवार्ड 1986 और प्रफुल्ल दहनकुअर फाउंडेशन द्वारा जीवन गौरव पुरस्कार 2017 के प्राप्त करता है, ठीक है। तो हाल ही में किसे ललित कला अकादमी का नया अध्यक्ष चुना गया है? उत्तम परचने जी को। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, खेलो इंडिया योजना के पहले पैरा राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होंगे? दोस्तों, खेलो इंडिया योजना के पहले पैरा राष्ट्रीय खेल जो तो बेंगलुरु में आयोजित होंगे। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय खेलों की तर्ज पर राष्ट्रीय पैरा खेलें दिव्यांग एथलीटों के लिए जून जुलाई 2018 में बेंगलुरु में खेलो इंडिया योजना के तहत आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, ठीक है। तो खेलो इंडिया योजना के पहले पैरा राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होंगे? बेंगलुरु में राष्ट्रीय खेलों की तर्ज पर, और वर्तमान में जो खेल मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस अभिनेत्री को कान फिल्म फेस्टिवल में टाइटल रेजिनॉल्ड ऑफ लुइस फिल्म आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में जो है तो श्रीदेवी जी को, अनुभवी बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी को चल रहे कान फिल्म फेस्टिवल में टाइटल रेजिनॉल्ड एफ लुइस फिल्म आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार दोस्तों पारंपरिक रूप से पूरी दुनिया में फिल्म उद्योग से जुड़ी महिलाओं के लिए जश्न मनाता है और सिने जगत के बहुसांस्कृतिक प्रभाव को सफल सलाम करता है। अनुभवी फिल्म निर्माता सुभाष कई और निर्माता नम्रता गोयल ने श्रीदेवी के परिवार की तरफ से पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहले फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किस देश ने किया है? तो दोस्तों, विश्व के पहले जो है तो फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण रूस ने किया है। देखिए दोस्तों, रूस ने उत्तरी मुर्स्मांग के बंदरगाह में एक समारोह में दुनिया के पहले फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किया, जहाँ इसे पूर्व साइबेरिय जाने से पहले परमाणु अध्ययन से भरा जाएगा, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग में निर्मित अकादमिक लोमोनोसो मुर्स्मांग पहुँचे, जहाँ इसे बंदरगाह में घुमाया गया और मीडिया को प्रस्तुत किया गया, ठीक है। और वहीं बात करें रूस की, तो राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो विश्व के पहले फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण रूस ने किया है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, हाल ही में जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को मनाया गया है। देखिए तो जैव विविधता संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से दुनिया भर में जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और वहीं दोस्तों, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैव विविधता 2018 की जो थीम क्या है, विषय क्या है? सेलिब्रेटिंग 25 ईयर ऑफ एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम है, ठीक है। सेलिब्रेटिंग 25 ईयर ऑफ एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वर्ष 2018 की जैव विविधता के 25 वर्ष को इंगित करता है। वहीं 22 मई 1992 को नैरोबी फाइनल एक्ट द्वारा जैविक विविधता पर सम्मेलन को अपनाने के उद्देश्य से इस दिन का प्रचार किया गया था। तो जैव विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? दोस्तों, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में HD कुमार स्वामी ने शपथ ली है। देखिए दोस्तों, JDS और कांग्रेस गठबंधन सरकार के प्रमुख HD कुमार स्वामी ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और कर्नाटक के राज्यपाल बाजूभाई वाला ने कुमार स्वामी को कार्यकाल और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने ली है? डिप्टी CM जी परमेश्वर। विधानसभा में 221 निर्वाचित सदस्य हैं,
और गठबंधन सहयोग के पास 170 सदस्य, जिनमें एक बसपा और दो निर्दलीय शामिल हैं। तो हाल ही में कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री को किसने शपथ ली? HD कुमार स्वामी और जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति ले लिया है? दोस्तों हाल ही में जो है तो किसने दक्षिण अफ्रीकी स्टार बल्लेबाज एवी डिविलियर्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्ति होने के अपने फैसले की घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे वरिष्ठ भारतीय महिला कौन बन गई? दोस्तों 53 वर्षीय पूर्व मॉडल संगीता बहल ने माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे वरिष्ठ भारतीय महिला बन गई हैं। बहल, जो वर्तमान में गुरुग्राम में रहती हैं, ने 2 शेरपा की मदद से चोटी पर चढ़ाई की और उन्हें काठमांडू में भारतीय दूतावास में सम्मानित किया गया। उन्होंने पहले से ही दुनिया के 7 सबसे ऊंचे चोटियों में विजय प्राप्त की थी। वहीं हरियाणा से शिवांगी पाठक जो हैं दोस्तों 16 वर्ष के में नेपाली पक्ष से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की छोटी महिला बन गई हैं। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे वरिष्ठ भारतीय महिला संगीता बहल और जो तो सबसे छोटी महिला सबसे वो शिवांगी पाठक, सबसे कम उम्र की 16 वर्ष की। ठीक है, तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल मददगार होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि नहीं किए हैं तो, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।